Hey guys, welcome to the channel. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQ स्मार्टफोन के बारे में, जो कि IQ का फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन IQ 8 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये शायद से अपकमिंग मंथ के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है। और ये स्नैपड्रैगन 888 बेस्ड स्मार्टफोन है, तो इसमें काफी कुछ तगड़ा फीचर्स देखने को मिल सकता है। सो इसमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस रहने वाला है और कितने प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होने वाला है, इसी वीडियो में हम देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए। सो दोस्तों, बात करें IQOO 7 और IQOO 7 Legend के बारे में, तो ये दोनों स्मार्टफोन काफी हाइप क्रिएट किए थे और ये काफी हिट भी रहा। ये स्मार्टफोन जबरदस्त फीचर के साथ लॉन्च हुआ था और ये डे टू डे लाइफ में ये दोनों स्मार्टफोन काफी पावरफुल परफॉर्मेंस दिया है। और अब कंपनी की तरफ से ये कन्फर्म हो चुका है कि ये सीरीज का नेक्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और यही अपकमिंग सीरीज में हमको IQOO 7 और IQOO 7 Legend की तरह दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि IQOO 8 और IQOO 8 Legend होगा। और ये सीरीज चाइना में ऑलरेडी अगस्त महीने में लॉन्च हो चुका है और इसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस दिया गया है वही सेम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं IQOO 8 के बारे में कि इसमें कौन कौन से फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हो सकता है। इसमें हमको 6.56 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विथ रिफ्रेश रेट ऑफ 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर और एंड्रीनो 660 GPU के साथ होगा। और लास्ट IQOO से यहाँ थोड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है और इसमें हमको 12GB का एक LPDDR5 RAM देखने को मिलेगा और 256GB का UFS 3.1 स्टोरेज भी। ये स्मार्टफोन Android 11 बेस्ड ओरिजिन OS 1.0 पे होगा। और अब नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी और फास्ट चार्जिंग के बारे में, और इसमें हमको बिग अपग्रेड देखने को मिलेगा चार्जिंग के मामले में, क्योंकि इसमें हमको 120 वाट फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा और 4350 mAh का एक बैटरी के साथ। कंपेयर करें लास्ट IQOO 7 से, तो इसमें हमको बैटरी चार्जिंग के मामले में काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कैमरा के बारे में, और कैमरा पार्ट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल सोनी IMX 598 मेन सेंसर होगा और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और एक 13 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस और 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। कैमरा में ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला है लास्ट IQOO 7 से। और दोस्तों, अब बात करते हैं IQOO 8 Legend के बारे में, इसमें क्या कुछ अपग्रेड हो सकता है और कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलेगा। ये चाइना में लॉन्च हुआ है IQOO 8 Pro के नाम से और इंडिया में ये रिब्रांड होकर लॉन्च हुआ IQOO 8 Legend के नाम से, और इसमें हमको मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगा डिस्प्ले और कैमरा सेक्शन में। तो पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। इसमें हमको 6.78 इंच का एक 2K सैमसंग E5 जेनरेशन एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें HDR 10 प्लस डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी रहेगा। बात करते हैं इसमें कौन से प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसका परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। और यही स्मार्टफोन में प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर में भी थोड़ा बहुत अपग्रेड देखने को मिला है। स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर होगा और यहाँ पर रैम वही सेम ही रहेगा, जो कि है 12GB, जो कि हाई वेरिएंट में देखने को मिलेगा। और इंटरनल की बात करें तो 512GB होगा इंटरनल स्टोरेज, और इसमें कैमरा मॉड्यूल में काफी अपग्रेड देखने को मिल सकता है। 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 766 मेन सेंसर और 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और 16 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें भी वही 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी लेंस देखने को मिल सकता है। और IQOO 8 में काफी सारे अपग्रेड देखने को मिल सकता है लास्ट IQOO 7 सीरीज से कंपेयर करें तो। और दोस्तों, ये सीरीज इंडिया में काफी पॉपुलर है, तो देखते हैं ये इस सीरीज IQOO 8 सीरीज कैसा परफॉर्म करता है। और दोस्तों, इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो कंपनी की तरफ से तो कोई फिक्स्ड अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि ये कौन से डेट पर लॉन्च होगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक या फिर नवंबर सेकेंड वीक में ये हमको लॉन्च होते दिखाई दे सकता है, या फिर उससे पहले भी नवंबर 2 और 3 में भी देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं दोस्तों, इसमें और क्या कुछ अपग्रेड देखने को मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो आगे और भी अवेलेबल कंटेंट देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।